लगातार सोशल मीडिया के साथ देश भर में मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो वो है ज्योति मोर्या। ज्योति मोर्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल कर रही है। जहां पर एक तरफ जनता आलोक मोर्या के पक्ष में, तो दूसरी तरफ कुछ जनता ज्योति मोर्या के पक्ष में। जहां पर वाराणसी की जनता ने ज्योति मोर्या का सपोर्ट किया और बयान दिया कि यहां पर भले ही आलोक मोर्या ने ज्योति मोर्या पर पैसे लगाए हो, लेकिन मेहनत तो ज्योति की थी। एसडीएम ज्योति मोर्या घूस खाकर नहीं बनी, बल्कि अपनी मेहनत से बनी है। अब इसी के साथ एक और खबर आ चुकी है। खबर यह है कि एसडीएम ज्योति मोर्या पर 30 मिनट की वीडियो बनी है और इस वीडियो में ज्योति मोर्या की सारी काली करतूतों के साथ उन पर काले राज का खुलासा हुआ। सवाल यह है कि आखिर ये 30 मिनट की वीडियो का सच क्या है। बताते चले आप सबको कि जिस तरह से जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, तो लोगों ने सुशांत का नाम उनके केस ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद लोगों ने इसका फायदा उठाया और उन पर मूवी बना दी। ठीक ऐसा ही अब ज्योति मोर्या पर हुआ। एसडीएम ज्योति मोर्या का केस बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है। हर लोगों की जुबा पर चर्चा अक्सर ज्योति मोर्या के मामले को लेकर हो रही है। हर कोई जानना चाहता है गलत कौन है, सही कौन है, इंसाफ किसे मिलेगा और किसे नहीं। इस बीच एक भोजपुरी फिल्म सामने आई है, जहां पर कुछ लोगों ने खुद ही इस फिल्म में एक्ट किया है और यहां पर ज्योति मोर्या की करतूतों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। ज्योति मोर्या की शादी आलोक मोर्या से कैसे हुई, कैसे वो एसडीएम बनी, कैसे उसकी मुलाकात मनीष दुबे से हुई, कैसे उसने अफेयर किया, कैसे उसने पति को मारने की कोशिश की, और जब सच सामने आया तो कैसे उसने पति पर ही आरोप लगा दिया और कैसे अब उस पर केस चल रहा है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म 30 मिनट की है। अब सवाल ये है कि लोग एसडीएम ज्योति मोर्या के नाम से फायदा कमाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में क्या वाकई ज्योति मोर्या से जुड़े काले राज खुल पाएंगे या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।